बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को वूफे के लिए लेकर जाते हैं ला मोंटाना में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ला मोंटाना रेस्टोरेंट मोनाल के साथ है, और इसके लिए आपको मांगला हिल से गुजरना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे टर्न्स भी हैं 5-6 जहां पर आपको बहुत केयरफुल ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो अब हम लोग यहां से गुजरेंगे और फिर हम ला मोंटाना पहुंचेंगे वूफे के लिए। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर मैंने सोचा कि सारे फैमिली मेम्बर्स निकल जाएं और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स हो जाएं, थोड़ी सी वीडियोग्राफी हो जाए। तो इस वजह से बाहर निकले हुए हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मांगला हिल्स के खूबसूरत तरीन नज़ारे। मांगला हिल्स बहुत खूबसूरत हैं और इन्हीं हिल्स की वजह से इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। तो ला मोंटाना मोनाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें मांगला हिल से गुजरना पड़ता है। चले जी, फाइनली द वेट इज़ ओवर। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ला मोंटाना रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने बूफे अपना बुक करवाया, यानी कि 5 लोगों का बूफे बुक करवाया। पर पर्सन हमें 2000 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए, और साथ में टैक्स भी लगा। टैक्स मिला के हमें 2200 रुपीज़ पड़ गए, लेकिन हमने क्योंकि कार्ड से पेमेंट की थी तो इस वजह से हमें पर पर्सन 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। और आखिर में मैं आप लोग को एक मज़े की बात बताऊंगी कि इनका कहना है कि अगर आप खाना वेस्ट नहीं करते, आप ज़ाया नहीं करते, तो आपको चाय भी एंड में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो आए हमारा बूफे देखें और इन्जॉय करें, और यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत मज़े की जगह है। 40+ डिशेज़ हैं, गर्म गर्म वहाँ पर सर्व किया जा रहा था, जिसमें आपको मटन पाए, निहारी, बीफ केस, चप्पल कबाब्स और स्वीट डिशेस, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। खा खा के आप थक जाएंगे। खड़े रहो मेरे साथ। आपने क्या क्या टेस्ट किया है? बूफे में कोशिश करें कि जो स्वीट डिशेस हैं वो बिल्कुल लास्ट में खाएं, क्योंकि जब आप स्वीट डिशेस ले लेते हैं तो आप बाकी चीज़ें नहीं खाते और फिर आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से स्वीट डिशेस को बिल्कुल लास्ट में रखें। यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि एक सिंगर होता है जो आपको एंटरटेन कर रहा होता है और वो गाने भी गा रहा होता है। ये बूफे तकरीबन 7:30 स्टार्ट होता है और 9:30 ख़त्म होता है, यानी कि 2 घंटे का ये बूफे होता है। और इसमें आपको बहुत सारी डिशेज़ भी मिलती हैं और गाना सुनने को भी मिलता है, एक लाइव सिंगिंग होती है। अब ये हुआ कि इब्तिसाम और शेरी को वॉशरूम जाना था, इसलिए हम लोग ऊपर आ गए थे और ये वॉशरूम जाने लगे हैं। मैं इनका बाहर वेट कर रही हूँ और अब ये बाहर आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे तो सारा इस्लामाबाद आपको नज़र आएगा, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीन व्यू है। ये बर्थडे कॉर्नर है, जिन लोगों की बर्थडेज होती हैं वो यहाँ पर आके सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं।
चलें जी, यह व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, व्लॉग को एंड करते हैं, लेकिन शॉर्ट ये है कि हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय की हमने डिशेज़। आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा और ये सब कुछ बहुत इन्जॉय कीजिएगा। Thank you.